ये आंदोलन सिर्फ पंजाबियों का कि हरियाणवी भी बराबर है इसमें? ये आंदोलन ने एक तबके का है जिसे गरीब, किसान और मजदूर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ है, पैसे कहाँ, कहाँ से लगाओगे पैसे? हमें तो लुटोगे, ग्रेजुएट हम रहे, बात हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हमें करना आता है, लैंग्वेज हम जानते हैं। गुजरात से कैसे कैसे आए, जुमले बाद जो आए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनका जो तोड़ है ये हरियाणा और पंजाब है। बताते हैं, लोग बंटवारा कर दिया था तो आज पता लग गया सियासत तोड़ती है और भाईचारा और आंदोलन जोड़ता है। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप मेरे सामने हुक्का देख रहे होंगे और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में ये किसान हैं जो हरियाणा के हैं। मीडिया के और एक सेक्शन ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ सिखों का है, ये सिर्फ पंजाबियों का आंदोलन है और हरियाणा या बाकी देश भर के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे हरियाणा के लोग ही उनका स्वागत कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनको खाना और तमाम चीज़ें पहुँचा रहे हैं और इस आंदोलन में बराबर के शरीक हैं। तो इन किसानों से ये किस तरह से इस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं? सागर नाम है जी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर शहर में रहता हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो सागर गांव में रहो, शहर में रहो, काम धंधा छोड़ कर बैठने की क्या जरूरत पड़गी भाई? बैठने की जरूरत यह है, छोटे छोटे बालक से हैं, माड़ी मोटी जमीन रह रही है, बट जाओ भाई, घने घने बालक को हार दे हमारे बाप दादा गए और बटती बटती थोड़ी जमीन रहेगी, थोड़ी रहेगी, बोन खाने जो के बिना छोड़ती सरकार है, इस हाल हो रहा है। नौकरी मिलेगी या फिर जमीन पे काम करो? आप देख लो ना, मेरा इंटरव्यू लो लाओ, मैं हमने कोई यूँ कह दे भाई वो बालक का बिल्कुल ना नौकरी के, तो भाई हम जो को हुए ग्रेजुएट हम रहे, बात हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हमें करना आता है, लैंग्वेज हम जानते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि हमारी सीट और किसी को जो पैसे दे देता है, जिसकी जान पहचान है, उनको मिल जाती है, करप्शन खत्म नहीं हुआ। ये आंदोलन सिर्फ पंजाबियों का कि हरियाणवी भी बराबर है इसमें? ये आंदोलन ने एक तबके का है जिसे गरीब, किसान और मजदूर बोलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एवरी कम्युनिटी इज देयर। पंजाबी तो उधर से आगे, पंजाब से चल के हरियाणा वाले कैसे स्वागत कर रहे हैं उनका? बहुत बढ़िया तरह से स्वागत कर रहे हैं, बहुत बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं उनके, हम बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं उनका। कोई कमी पेशी नहीं? कोई कमी पेशी नहीं है। अच्छा, आप हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी ले रहे हैं और साथ में आंदोलन भी, तो ये दोनों संघर्ष जो हैं कैसा चल रहा है? संघर्ष ठीक चल रहा, पूरी मसे चल रहा, अगर नहीं माननी सरकार यहाँ आम बच्चों समेत बैठेंगे। इतने झूठे वादे किए, लोगों को इतने सपने दिखाए और लेकिन जमीन पे लाके देखो कहाँ लाके गिर दिया, ये देखो कहाँ बैठे हैं हमारे कल्याण। मोदी जी काबिल लगते थे इसलिए सरकार बनाई, लोगों को विश्वास था मोदी जी में, लेकिन अब वो विश्वास पे बिल्कुल भी 0%। उन्होंने काम अच्छे करने की कोशिश की लेकिन उनका सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप सिस्टम है। आप एक बात बताओ मेरे को, आपने जो ये तीन कानून लेके आए हो, आप इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल है और आप जो दिखा रहे हो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और अनाज को खराब नहीं होने देंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, पैसे कहाँ है, कहाँ से लगाओगे पैसे? हमें तो लुटोगे, आप मंदिर बनवा रहे हो इतना भव्य, हम पे छोड़ दो, हमारी कौम पे छोड़ दो, हम अपने आप बनवा लेंगे। अरे जब नींव तो रखी गई, मंदिर तो हमारे लिए है, वहाँ पे पहले भी था और आगे भी रहेगा, उसे भव्य बनाने से या दुनिया के सामने रखने से हमारे भगवान बड़े या हमारे देश की छवि अच्छी नहीं हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार जो है मंदिर मस्जिद में उलझा के रखना चाहती है? आपके जैसा पढ़ा लिखा किसान नहीं चाहिए आज के, आज आज के अपने युवा भाई, अपने बड़े, अपने देश के नौजवान साथी, सबसे पूरे देश से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये छोटी छोटी बातें हैं, डिस्क्रिमिनेशन और ये जो बांटा जा रहा है रिलीजन के बेस पे, कलर के बेस पे, या आप ये लगा लो हरियाणा में इलेक्शन होता है तो नॉन जाट, जाट वर्सेस नॉन जाट कर देते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम भाई हमारे आंदोलन को सपोर्ट करने आया है उसको बोल रहे हैं CAA और NRC का प्रोटेस्ट के उसमें आए हैं, ठीक है भाई, मोटिव एक है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इतने सालों से दबे हुए थे, हमारे अंदर बहुत आग थी, बहुत आक्रोश था, वो आक्रोश हम एक पॉजिटिव तरीके से और एक सभ्य तरीके से और एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके दुनिया के सामने रखेंगे और अपने हक की लड़ाई हम यहाँ से लेने के बाद जाएंगे, जब एक एक किसान, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग सब जब खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, हम उस दिन दिल्ली छोड़ेंगे, वरना हम दिल्ली नहीं छोड़ते। ये किसानों का जंगे ऐलान है, ऐलान जंग है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है, ये तो जो है पीछे हटने वाले नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं,
एक्टर्स हैं, लोग उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से जवाब आते हैं तो वो हमारी माताओं के बारे में, हमारी दादियों के बारे में इतना बुरा बोलते हैं कि उनकी माता, उनकी स्वयं की माता कंगना रनौत जी की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, आप क्वीन थी, अब नहीं हो, आगे आप क्वीन नहीं रहोगे, आपने ऐसे काम कर दिए, जल्दी से ना जल्दी, कोई लेट नहीं होता, कोई देर सवेर नहीं होता, माफ़ी मांगो हमारी माताओं से, हमारे किसान भाइयों से, और जो आप ये, जो ये होता है ना, हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते पानी मार, पानी मारना छोड़ दो, अपना स्टैंड बनाओ और खुद आगे आओगे तो हमने देख कर और भी आगे आओगे। कंगना के खिलाफ भी जबरदस्त, भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने सुना होगा बिंद रखिए का गाना, सारे भाइयों ने देखा होगा, जदो पैंदी है तरीक किसी जट दी कचहरी च मेले लग दे, आज तो वो काम हो रहा है, जट का मतलब है किसान, जो खेती करने वाला उसको जट कहते हैं, और ये गाना बड़ा सुना हमने, बड़े नाचे, समझ नहीं आई थी, आज यह बात समझ आ गई, जदो पैंदी है तरीक किसी जट दी कचहरी च मेले लग दे, और जो हरियाणा और पंजाब का जो कल्चर है, जॉइंट पंजाब का, हमारे बुजुर्ग बताते थे इतना बढ़िया माहौल था, भाईचारा था, वो सारा का सारा हरियाणा पंजाब का कल्चर देख लिया 1966 में, बताते हैं लोग बंटवारा कर दिया था, तो आज पता लगा सियासत तोड़ती है और भाईचारा और आंदोलन जोड़ता है, और पंजाब के बारे में जॉइंट पंजाब की बात है, आज ये कहना चाहूँगा, भारत है जे वांग मुंदरी, भारत है जे वांग मुंदरी, मुंदरी का मतलब अंगूठी, ते विच नग पंजाब दा, गंगा जमन देवते ते जमुना जमन देवियां, आशिक मगर जम सकदा सिर्फ पानी चनाव दा, जो सोनी महिवाल हीर रांझा शशि पन्नू साहिबा मिर्जा, एक ताकत है चिनाव के पानी में, पंजाब के पानी में, हरियाणा के पानी में वे पैदा कर सकते हैं, और जो झूठे हैं वो गुजरात की, गुजरात से कैसे कैसे आए, जुमलेबाज जो आए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनका जो तोड़ है ये हरियाणा और पंजाब है, जब पंजाब के लोग आए, पंजाब के किसान यहाँ राम बनकर आए, हरियाणा के किसानों ने लक्ष्मण बनकर उनका साथ दिया, और यूपी वाले तो हनुमान बनकर आ गए, और अब इनका इनका कलेश काट देंगे सारे का, और जो मोदी जी ने को बढ़िया दुआई दे रखी है, यह दुआई माफिक नहीं आ रही भाई, और जो ओपीडी की पर्ची कटा रखी मोदी जी की, कटाई थी जरूर, 2014 में वोट दी थी, 2019 में भी दे दी, जो बनाना जानते हैं किसान, जो पैदा करना जानता है वो काटना भी जानता है, और जो दवाई माफी की नहीं आई, कई बार कह लिया दवाई बदल दो मोदी जी, और नहीं तो डॉक्टर बदल देंगे, डॉक्टर बदल देंगे, कलेश काट देंगे, जब भी डॉक्टर बदल दोगे माने सरकार बदल दोगे, हम घेर देंगे, टांग तोड़ देंगे डॉक्टर की, डॉक्टर जो आदमी मारेगा, जहर का टीका लगा डॉक्टर आदमी मारेगा, डॉक्टर साला लग गया मरा, डॉक्टर के लग गया मरा, जो लॉकडाउन में टिकटॉक वाला सिस्टम चल रहा था ना, और जो घर गैल बदमाश और घर के गैल समझदार और घर के गैल समाज सेवी दे, वे आगे आओ, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी की कहता, ना मैं क्रिटिसाइज करना आ रहा था, मारे लोगो मारे भाइयो, अरे गामा में तुमने नकारा कहते होंगे, उन्हें साबित कर दो नकारा को ना, आड़ा आगे बैठो, अपने लोगों का साथ दो, अरे ये झूठे, अरे ये दिखाए तर दान करे तर, ये नूनी काम चल रहा करता, काम चल लगा, इन बड्डा का साथ देना पड़ेगा, जब मारियाना वाली पीढ़ी सुधरेगी, और आगे आओ, समझो बात ना, काम बड़ छोड़ो, आड़ा आगे बैठो, आई बात समझ में? नस्लों का और फसलों का भविष्य तय करने वाली लड़ाई है, जिसमें तमाम ये आंदोलनकारी, जिसमें हरियाणा के लोग भी उतनी बड़ी संख्या में हैं जितने पंजाबी लोग हैं, क्योंकि इनके घर में पंजाबी लोग आए हुए हैं, तो जो ये प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ सिखों का, सिर्फ पंजाबी किसानों का ये आंदोलन, ऐसा नहीं है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हम सब लोग भारतीय हैं, और वो भारतीयता यहाँ सब किसी में दिखाई देती है, और ये लोग अपने हक के लिए डटे हुए हैं। ये वीडियो मैं आपको सिंगू बॉर्डर से दिखा रहा था, इसको बनाने में मेरी मदद करें आदर्श तिवारी, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।